अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट जो इस वक्त फर्स्ट और सेकंड ईयर के एक एडमिशन जो है वो लेना चाह रहे हैं पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। जो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है उनकी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द चेंज ऑफ बुक्स, के आपकी जो पिछली जितनी पुरानी बुक्स थी उसको चेंज करने के अबाउट इन्होंने एक नई नोटिफिकेशन जो है वो जारी की है। अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन होप सो कि इसको जल्द जल्द से जल्द जो है तो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ क्या है, फिर इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ कि आपको आगे क्या करना पड़ेगा। तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हम इसको पढ़ते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है 13 जुलाई 2023 की पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की है, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरपर्सन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 11 जुलाई 2023 वाइट एजेंडा आइटम नंबर 1 द हाउस अनएनोमिनसली रिजॉल्व द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड शुड रिप्लेस इट्स बुक्स फॉर इंटरमीडिएट एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर 5 सब्जेक्ट्स। कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनको ये कहा गया कि आप जो अपनी बुक्स हैं उनको आप क्या करो, रिप्लेस कर दो। कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं, एक हमारे पास है मैथ्स, देन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये वो बुक्स हैं जो कि इंटरमीडिएट के लिए, मतलब जो 11th के स्टूडेंट हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए है कि इनकी जो बुक्स हैं कौन कौन सी, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको बनाएं और इसको दोबारा से रिप्लेस करें। टू एलिवेट एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ आवर कैंडिडेट टू लेट देम कोप विद इंटरनेशनल लर्निंग प्रैक्टिसेस। जैसे ए लेवल ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो जिस तरह वो पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ होती हैं जिस तरह आजकल फेडरल बोर्ड करा रहा है कि जो ऐसे लो बेस्ड एग्जाम आ गए हैं, तो ये जो है ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करने के लिए ऐसी जो है तो बुक्स बनाई जा रही हैं। नेशनल करिकुलम 2006 जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है फेडरल बोर्ड में, तो यही इसी तरह की बुक्स जो है ये बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को कि आप जल्द से जल्द न्यू बुक्स बनाएं और ताकि उसको फिर आगे के जो करिकुलम है उसमें ऐड किया जाए और उसको फिर स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। देयरफॉर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मे बी अप्रोच टू इनिशिएट इमीडिएट वर्किंग फॉर, अब क्या क्या करना चाहिए, एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्स, की कोई भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, उनके मुताबिक जो है बुक्स बनाई जाए। देन नेगोशिएशन ऑफ कॉपीराइट्स रॉयल्टी, मतलब अब अगर आपने बुक बनानी होती है तो आप क्या करते हो, जो पब्लिशर होता है जो इन इंटरनेशनल बुक्स होते हैं उनके साथ आपने एग्रीमेंट करना होता है इसका कॉपीराइट का, ऐसे ना हो कि आप बुक बना लो और आपके ऊपर वो कॉपीराइट बना ले, मतलब उनकी बनाई हुई चीज़ें आप चोरी नहीं कर सकते जब तक आप उनसे लीगली परमिशन नहीं ले लेते। नंबर 3, इनिशिएट प्रिंटिंग प्रोसेस टू मेक दीज बुक्स अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट इन द अर्लीस्ट पॉसिबल। और तीसरी बात यह है कि आप पंजाब की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको ये बताया गया है कि आप जल्द से जल्द प्रिंटिंग जो है वो जारी करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो पढ़ सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना है, जल्द से जल्द आपने बुक्स जो है परचेज नहीं करनी। होप सो कि इस साल तो यही बुक्स चलेंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर जो है तो उम्मीद है कि बुक्स के अंदर चेंजेस जो हैं वो लाई जाएंगे। लेटेस्ट जो भी नई हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।